सो हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में भाई कुछ खास नहीं है, स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ, कुछ भी खास नहीं। बस हाँ, आप लोगों को एक ये मैं वार्न करने आई हूँ कि आप लोग कभी भी ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि ये काम मेरे साथ हो चुका है और इससे आपकी जान पे भी आ सकती है। इसके लिए मैं आप लोगों को सतर्क कर रही हूँ पहले से ही। तो आप लोगों भी ये काम जो मैं बोलने जा रही हूँ ना, आप लोग भी मत करिएगा, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है। भगवान की दया से, सबकी दुआ से मैं बच गई एक तरीके से, अच्छे से। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने आज किया क्या। मैं आज एक रेसिपी देख रही थी और उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी मैंने उसको ट्राई करने की कोशिश की थी। और मुझे ट्राई करने की कोशिश का मतलब कि आपको अगर कोई चीज़ मालूम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रेसिपी का आपको नॉलेज तक भी नहीं है कि इसके आगे क्या हो सकता है, तो आप प्लीज़ ट्राई कभी ना करें। वो तो मैं ट्राई कर रही थी आप लोगों को शेयर करने के लिए, अगर अच्छा बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं ट्राई करती हूँ तभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ ये चीज़ अच्छी बनी। बट वो जो मैं ट्राई कर रही थी वो बिल्कुल भी रेसिपी मेरे माइंड में नहीं थी, मैंने कभी बनाया नहीं था, मैंने कभी देखा भी नहीं था, मैंने कभी सुना भी नहीं था, शायद आप लोग भी नहीं सुने होंगे ये चीज़। तो वो मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रही थी। नया एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये था कि दूध फट गया था, तो दूध का मैंने सोचा था कि जो फटे हुए दूध का था मैंने सोचा था उसका रसगुल्ला बनाने के लिए, बट छेने का रसगुल्ला बनाती हूँ वो प्रॉपर बन जाता है, लेकिन मैंने उसमें कुछ अलग से करने की कोशिश की। अलग से करने का कोशिश का मतलब कि मैंने उसमें सूजी डाल के उसको मिक्स करके मैं सोची थी कि उसको गुलाब जामुन के जैसा बनाऊँगी। तो उसके चक्कर में आज मेरा बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। बहुत डांट भी पड़ी घर में सबसे, क्योंकि भाई लगता है ना, डर लग जाता है ना, ऐसा होता है कुछ भी। तो उसकी वजह से मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा देख, मेरे शक्ल से दिख रहा होगा आपको कि मैं, मेरे साथ कुछ हुआ है। तो मैं वो रेसिपी बनाने की कोशिश कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने उसे गूँथा होता, सब चीज़ अच्छे से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक छोटी सी बॉल बना के मैंने डाली भी, वो भी ठीक ढंग से बन गई। एक मैंने पहले ट्राई की, फिर उसके बाद मैं सोची कि फिर अब और डाल देते हैं। तो मैंने तेल को गर्म करके फिर और उसमें बॉल्स बना बना के गोल गोल जैसे रसगुल्ले जैसा मैंने डाल दिया। वो अच्छे से पहले धीरे 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 तो हो रहा था, फिर लाल होने लगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तेज कर देते हैं। फिर तेज किया तो एक थोड़ा सा फूटा, फिर उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर फूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैं उसको इग्नोर कर गई। वही इग्नोर करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। उसके बाद मैं उसको फिर से वापस से वैसे ही चलाने लगी, तेज करके ही चलाने लगी। वो फट 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 करके धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े और फूटना स्टार्ट हो गए। तो मैं क्या कर रही थी कि बार बार उसको चला के थोड़ा दूर हट जा रही थी, लेकिन फिर जैसे ही मैंने वापस से वहाँ पर चलाने की कोशिश, फिर जैसे ही मैंने हाथ ले गई वहाँ पर चलाने के लिए उसको, वैसे ही एक बॉल फट के मेरे हाथ पे तुरंत फट से आ गई, हाथ पे आ गई, मेरे यहाँ पे आ गई, मेरे गले के पास आ गया था। वो पूरा तेल गरम गरम मेरे ऊपर आ गया था। तो अभी तो मेरे हाथ में स्वेलिंग है काफ़ी है, ये देखिए, ये जला दिख भी रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब पूरा रेड रेड जो दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब जो जला है ना बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे। देखिए मेरे हाथ की स्वेलिंग देखिए आप लोग, ये देखिए, ये इतना ज़्यादा जल रहा है ना कि बर्दाश्त के बाहर है, बट करना पड़ता है बर्दाश्त। तो इसके लिए मैं आपको बस यही बताने के लिए आई थी कि अगर आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है वो चीज़ आप भूल के भी मत करिएगा, नहीं तो कुछ बड़ा हो सकता है। अभी तो घर में फैमिली मेम्बर्स, मम्मी थी, सब थे, तो उन्होंने संभाल दिया, तुरंत पेस्ट लेके आई, बर्फ़ का पानी लेके आई, सब चीज़ मेरा ठीक किया। लेकिन अगर कोई नहीं होता, और मैं सबसे बड़ी गलती क्या करने जा रही थी ना कि जब मेरे हाथ पे पूरा ऑयल आया ना, उसके बाद मैं पूरा रगड़ने जा रही थी। दर्द जब होता है ना तो समझ में नहीं आता है, तो उसको तुरंत मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि वो रगड़ोगी तो वो पूरे छाले ना फट जाएंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा और दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए फिर मम्मी ने हाथ धुलाया, धुलाने के बाद उस पर पेस्ट लगाया, फिर बर्फ़ का पानी भी मैंने यूज़ किया।
जलन अभी भी बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन बस आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी ऐसा काम मत करिएगा। और ऐसा कोई भी घटना किसी के भी साथ घटती है ना, तो उसको आप लोग भी शेयर कर दिया करिए, जिससे कि सामने वाला भी, हो सकता है ये वीडियो मेरा कई लोग देख के कुछ सीख ले लें। तो ऐसे ही आप लोग भी ऐसी चीज़ें शेयर करते रहा करिए कि सामने दूसरों, जो आपके साथ हो गया ना, वो दूसरों के साथ ना हो पाए। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से आप कोई भी रेसिपी को सीख लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, उसकी जानकारी ले लीजिए, तभी आप ट्राई करिए, नहीं तो मत करिए। और भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मैंने कई बार बनाई भी, फिर मम्मी भी मेरी बनाती थी, मैं उनको भी देखती थी और अदर लोगों को भी देखती थी बनाते हुए, तो इसलिए मुझे उस चीज़ की नॉलेज थी, तो मैंने बनाया। और ये जो मैंने बनाया, ये रसगुल्ला, जो रसगुल्ला क्या ही बोले, उसको देख के मेरे चिढ़ हो गई, वो पूरे रसगुल्ले मैंने फेंक दिए, गुस्से में मैंने पूरे रसगुल्ले फेंक दिए, क्योंकि वो फटे फटे एक तो बने भी थे और उसकी वजह से मैं जल गई थी, इसकी वजह से मुझे चिढ़ के मारे मैंने फेंक दिया। अभी क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा हाथ जल रहा है, इतना ज़्यादा हाथ जल रहा है ना, कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन आप लोग कभी भी ऐसी गलती प्लीज़ मत करिएगा, आप लोगों जानकारी ले लीजिए। और हाँ, कोई भी नई चीज़ बनाइए ना, तो अपने से बड़ों, जैसे मम्मी, दादी, मौसी, जो भी आपके घर में हो, उनको लेके तो ही बनाइए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा जानकार होते हैं हमसे, तो वो आपको बताएंगे अच्छा बुरा, कि ये करने से ये हो सकता है, ये करने से ये हो सक। अगर मम्मी ने मेरे हाथ पकड़ के खींचा नहीं होता, तो आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि मैं जस्ट एकदम कढ़ाई के सामने ही थी और वो पूरा तेल फट के वो पूरा मेरे ऊपर ही आ जाता। वो तो खींच ली तब इतना मेरा बचाव हो गया, नहीं तो फिर मेरा फेस, पूरा गला, पूरी बॉडी में जहाँ तक था कि तेल, और वो भी इतना खौलता हुआ तेल जब पड़ेगा ना, तब हालत गंभीर हो जाती है। एक बार मैं, क्या बोलते हैं, कुछ 2 साल पहले मेरा हाथ जला था, वो भी चावल के पानी से। चावल कुकर में था, कुकर फट गया था और उसका पानी आके मेरे जस्ट एकदम हाथ पे आ गया था, पूरा हाथ अच्छे से एकदम अंदर तक जल गया था मेरे। वो वाला तो दर्द गया ही नहीं था कि दूसरा दर्द अभी हो गया। तो इसके लिए प्लीज़ 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 आप लोग भी ऐसा कोई काम मत करिए, और ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, जिससे सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ऐसा हो सकता है। तो आप लोग ऐसा कभी भूल के भी मत करिएगा प्लीज़। तो जिस चीज़ की आपको जानकारी ना हो, उसमें हाथ भी मत डालिएगा बिल्कुल भी। तो इस ब्लॉग को कहीं यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।